नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। अच्छे दाम मिलने से देश भर में मसूर की बोवनी जोरदार, तुअर दाल 100 रुपये घटी। नए मसूर की आवक में अभी 2.5 महीने लग सकते हैं। नए मसूर की आवक 15 फरवरी से पहले आने की उम्मीद कम है। इंदौर की मंडी में पिछले 7-8 दिनों से कामकाज बेहतर सुस्त बना हुआ है। मसूर की बोवनी का कार्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में लगभग समाप्त हो चुका है। अच्छे दाम मिलने के कारण इस साल देश भर में मसूर बोवनी में वृद्धि के समाचार मिल रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उच्च भाव होने से कनाडा से आए हुए माल मुंद्रा पोर्ट पर आया तक कम दामों पर बेचने को तैयार नहीं है, क्योंकि कनाडा से मसूर की आयात लागत ऊंची ही बैठी है। मुंगावली, गंज, बसोदा, सागर, भोपाल एवं बिनागंज लाइन में पुराने मसूर का लगभग स्टॉक सिमट चुका है। वहीं नई मसूर की आवक में अभी 2.5 महीने लग सकते हैं। देखा जाए तो नई मसूर की आवक 15 फरवरी से पहले आने की उम्मीद कम है। ऐसे में इन 3 महीने की खपत के लिए आयातित मसूर पर निर्भरता बढ़ेगी। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मसूर के दामों में ज़्यादा मंदी के आसार कम हैं। फिलहाल मंडी में पिछले 7-8 दिनों से कामकाज बेहद सुस्त बना हुआ है। दालों में भी ग्राहकी का समूह सपोर्ट नहीं मिलने के कारण मिलर्स की मसूर खरीद में रुचि बेहद कम होने से भाव टूट रहे हैं। इस सप्ताह मसूर में करीब 100 रुपये की गिरावट आ चुकी है। इन दामों पर अब ज़्यादा मंदी नज़र नहीं आ रही। मक्का में भी नरमी देखने को मिल रही है। तुअर दाल में उच्च दामों पर उपभोक्ता ग्राहक का अभाव है। बाजार में शनिवार को तुअर दाल के दाम में 100 रुपये की गिरावट रही। दूसरी ओर मक्का के दाम में लगातार नरमी देखी जा रही है। शनिवार को मंडी में मक्का के भाव 2150 से 2175 रुपये प्रति क्विंटल बोले गए। मक्का में नीचे दामों पर स्टॉक किस्टों की अच्छी लेवाली बनी हुई है। मक्का की आवक करीब 1200 बोरी के लगभग रही। गेहूं के भाव में स्थिरता है। दलहन दाम दाल के दाम इस प्रकार से रहे। चना कांटा 4950 से 5000, विशाल 4600 से 4800, डंकी चना 4100 से 4400, मसूर 6300 से 6325, उड़द 7000 से 7100, हल्की 3000 से 4000। किसान साथियों, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।